हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी भी देश को अच्छा या बुरा सिर्फ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अमीरी गरीबी को देखकर नहीं कहा जा सकता। असल में उस देश के लोग कितने खुश हैं, वहां के लोग कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अपनी सरकार और समाज से वो कितने खुश हैं, उस देश में नियम कानून कैसे हैं, इन सब के आधार पर एक देश कैसा है इसका आकलन किया जाता है। जब एक देश के लोग खुश होंगे तभी वहां पर तरक्की की राह आगे बढ़ सकती है। अगर किसी देश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है या फिर आतंकवाद ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हों तो वो देश दुनिया के अन्य देशों से कई साल पीछे रह जाता है। इस दुनिया में लगभग 257 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक नेशंस की कैटेगरी में आते हैं। इस्लाम इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 190 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का 24% से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन से मुसलमान देश ऐसे हैं जो बहुत ही खुशहाल हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे खुशहाल मुसलमान देशों के बारे में बताएंगे। चलिए अब देरी न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को करते हैं शुरू। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का नाम सिर्फ खुशहाल मुसलमान देशों में ही नहीं आता, बल्कि इस देश की गिनती विश्व के सबसे सख्त कानून वाले देशों में की जाती है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इस देश के कानून सबसे ज्यादा सख्त हैं। लंबे समय तक यहाँ पर महिलाओं को अकेले ड्राइविंग की भी इजाजत नहीं थी। हालांकि कुछ समय पहले ही इस कानून में बदलाव कर महिलाओं को भी ड्राइविंग के हक दे दिए गए। सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू है, जिसकी वजह से गैर मुसलमान लोग यहाँ पर जमीन भी नहीं खरीद सकते और न ही किसी अन्य धर्म का मंदिर या अन्य स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन सब के बावजूद सऊदी अरब में दुनिया भर से लोग रोजगार के लिए आते हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या इजिप्ट, पाकिस्तान और भारत के लोगों की है। एक तिहाई से ज्यादा लोग यहाँ पर अन्य देशों से आकर बसे हुए हैं। सऊदी अरब इस समय दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है, जिसकी नॉमिनल GDP 1.040 ट्रिलियन है। ये खाड़ी देश में सबसे बड़ा देश माना जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सऊदी अरब का स्कोर 6.375 है। सऊदी अरब में लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की औसतन प्रति व्यक्ति आय $22,000 है, जो भारत के लोगों के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा है। UAE। दोस्तों, UAE पूरी दुनिया में दूसरा सबसे खुशहाल मुसलमान देश माना जाता है, जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स 6.825 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका नंबर 25वें स्थान पे आता है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसके अंतर्गत कुल 7 अमीरात आते हैं। इनमें से आपने अबू धाबी, दुबई जैसे राज्यों का नाम भी सुना होगा। UAE एकमात्र ऐसा खाड़ी देश है जहां अन्य देशों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। इस देश के मूल निवासियों से कई गुना ज्यादा प्रवासी यहां पर रहते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग संयुक्त अरब अमीरात के राज्यों में काम करने के लिए आते हैं। आपको यहाँ पर मस्जिदों के साथ साथ मंदिर और चर्च भी नजर आएंगे। UAE की कुल जनसंख्या 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ पर GDP भी लगातार बढ़ रही है। सन 1960 के दशक तक इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ मछली पालन और मोती के उद्योग पर निर्भर थी, लेकिन तेल के स्रोतों की खोज के बाद यहाँ तो भाई मानो पैसों की बरसात ही होने लगी और यही वजह है कि आज इस देश की अर्थव्यवस्था $501 बिलियन तक पहुँच गई है। UAE में क्राइम रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह है यहाँ का सख्त कानून। कम क्राइम रेट और अधिक कमाई के कारण इस देश में लोग सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। लीबिया। दोस्तों, लीबिया अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इतिहास के क्रूर तानाशाहों में से एक गद्दाफी का नाम आपने सुना भी होगा। गद्दाफी भले ही बाकी दुनिया के लिए कैसा भी रहा हो, लेकिन अपने देश के लिए वो एक कुशल प्रशासक रहा है। उसके शासनकाल के दौरान लीबिया ने बहुत ही तेजी से तरक्की की और यही वजह है कि आज लीबिया का नाम अफ्रीका के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले देशों में आता है। लीबिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ $51 बिलियन है, जिसकी एक वजह यहाँ की कम आबादी भी है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद लीबिया की कुल आबादी 7 मिलियन के आसपास है और इस देश के लोग के प्रति व्यक्ति आय $11,250 है। लीबिया की 99% आबादी मुसलमान है और हैप्पीनेस इंडेक्स में लीबिया को 5.49 अंक प्राप्त हुए हैं, जो इससे दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल मुसलमान देश बनाता है। ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। इस देश का 95% हिस्सा दोस्तों पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये देश प्राकृतिक सौंदर्य से अलंकृत है। यहाँ चारों तरफ आपको हसीन वादियाँ ही वादियाँ नजर आएंगी। ताजिकिस्तान के लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ के बर्फीले पहाड़ों में हिममानव यानी कि येती रहते हैं। ताजिकिस्तान लंबे समय तक पर्शिया का एक हिस्सा रहा है और 1991 तक ये देश सोवियत संघ का भी एक हिस्सा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रशियन और पर्शियन कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। ताजिकिस्तान वैसे बहुत अमीर देश नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जिंदगी से काफी सेटिस्फाइड माने जाते हैं। हैप्पी इंडेक्स के अनुसार ताजिकिस्तान का स्कोर 5.38 है। इस देश की कुल आबादी में से 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिनमें से ज्यादातर सुन्नी मुसलमान ही हैं। ताजिकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से बढ़ रही है और यहाँ की GDP ग्रोथ रेट 4.5% तक है, जो दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी कई गुना ज्यादा है। किर्गिस्तान।
200 अगले नंबर पर तजिकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है और देश में भी आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे। किर्गिस्तान पर्वतरोहियों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है जहां 88 से ज्यादा चोटियां मौजूद हैं। किर्गिस्तान की 85% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है तो वही 12% के आसपास यहां ईसाई धर्म को मानने वाले भी मौजूद हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में किर्गिस्तान को 5.54 का स्कोर प्राप्त हुआ है। यहाँ की GDP है $773 बिलियन। इस देश में अखरोट का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ पर अन्य मुसलमान देशों की तरह बहुत सख्त कानून नहीं है। 1998 में यहाँ पर वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई। शराब के शौकीन लोगों के लिए ये देश जन्नत से कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर शराब सस्ती भी है और इसकी क्वालिटी भी बेस्ट मानी जाती है। किर्गिस्तान में लोग घोड़े का दूध सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। कुवैत अपनी मुद्रा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कुवैती दिनार वर्तमान समय में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दिनार की भारतीय रुपयों में कीमत ₹251 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश अमीरी के मामले में कितना आगे है। और जब लोगों के पास पैसा आने लगता है दोस्तों, तो खुशियां और सुख तो भाई अपने आप ही उनकी ओर खिंचा चला आता है। कुवैत का हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर 6.102 है जो इसे दुनिया का 10 सबसे खुशहाल मुसलमान देशों में से एक बनाता है। कुवैत की प्रति व्यक्ति आय $70,000 से भी ज्यादा है। इस देश में हर किसी के पास पैसा है। आपको बता दें कि कुवैत में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर किसी के पास करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो ट्रेन से भी जल्दी लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है। कुवैत की मूल आबादी का 299% हिस्सा मुसलमान है, लेकिन आज के समय में दुनिया के कई देश और धर्म के लोग कुवैत में रोजगार के लिए आते हैं। फिलहाल कुवैत में 99.97% के आसपास मुसलमान हैं। कुवैत अपनी टेक्नोलॉजी के लिए भी पॉपुलर है। ये पहला देश है जहां ऊंट पर रोबोट्स को बैठाकर रेस का आयोजन किया गया था। यहां पानी की कमी होने के कारण देश में पानी तेल से भी ज्यादा महंगा है। समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लिया जाता है। कजाकिस्तान मध्य एशिया के इस देश का नाम तो भाई आपने सुना ही होगा जो अपने तेल के भंडार और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और इसे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है। कजाकिस्तान की कुल जनसंख्या 1,90,00,000 के आसपास है और यहाँ की GDP है $169.83 बिलियन। हैप्पीनेस इंडेक्स में कजाकिस्तान को 6.058 का स्कोर प्राप्त हुआ जिसे दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल मुसलमान देश बनाता है। कजाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री होने का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद भी इस देश के पास अपनी नौसेना है। मुस्लिम देश होने के बावजूद कजाकिस्तान में महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई हैं। इस देश में वेश्यावृत्ति को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है जो मुसलमान देशों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महिला यहाँ खुद की मर्जी से देह व्यापार कर सकती है। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। ये देश अपनी संस्कृति, प्राचीन इतिहास, मकबरों, मस्जिदों और कई ऐतिहासिक स्मारकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इतिहास के जानकार लोगों के लिए यह देश हमेशा ही उत्सुकता का केंद्र बना रहता है। उज़्बेकिस्तान की 96% आबादी मुसलमान है। आपको बता दें यहाँ पर महिलाएं किसी बाहरी पुरुषों के साथ हैंडशेक नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही आपस में एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। ये देश अपने यूरेनियम, सोने, कपास की खेती के लिए पॉपुलर है। उज़्बेकिस्तान का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 41वां नंबर है तो वहीं खुशहाल मुसलमान देशों में ये 5वें नंबर पे आता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उज़्बेकिस्तान का स्कोर 6.179 है। कोसोवो दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम भी एक ऐसे देश का है जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। कोसोवो दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है जो 2008 में गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। कोसोवो ईस्टर्न यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन से भी कम है। इस देश ने सर्बिया से आजादी के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है। ये देश वैसे तो यूरोप के सबसे गरीब देशों में आता है, लेकिन यहां के लोग काफी फ्रेंडली हैं और अपनी जिंदगी से काफी खुश हैं। अभी तक हैप्पीनेस इंडेक्स में कोसोवो का नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर 6.295 के आसपास है। इस देश की GDP $7.95 बिलियन के आसपास है और पर कैपिटा इनकम $23.89 बिलियन है। कोसोवो की 96% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। अन्य इस्लामिक देशों के मुकाबले कोसोवो के लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है और यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, जो मुस्लिम देशों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये देश अपनी रेड वाइन के लिए भी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। कोसोवो अपने देश में टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने की ओर काफी ध्यान दे रहा है। बहरीन अरब देशों में सबसे पहले तेल के भंडार की खोज दोस्तों बहरीन में ही की गई थी। सन 1932 में ही यहाँ पर तेल निकालने का काम शुरू हुआ। बहरीन की कुल जनसंख्या 17,00,000 है जिनमें से 70% लोग मुसलमान हैं। बहरीन को दुनिया के सबसे खुशहाल मुसलमान देशों की सूची में पहले पायदान पर रखा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बहरीन का स्कोर 6.227 है और ये दुनिया का 22वां सबसे खुशहाल देश भी माना जाता है। बहरीन क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया में 3रा सबसे छोटा आइलैंड नेशन है, लेकिन इसके बावजूद ये देश तेजी से विकास कर रहा है।
बहरीन की करेंसी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। एक बहरीन दिनार 204 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खुशहाल मुसलमान देश, जिनके बारे में जानकर आपको यकीनन मजा आ गया होगा। क्या आप इनमें से किसी देश में गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।